আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দহু ওয়া বা'দ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসাউ ইলা যিকরিল্লাহ ওয়া যারুল বাই যালিকুম খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे दीनी भाइयों, गुज़श्ता हफ्ता आपके सामने सजदे सहव का बयान किया था। सजदे सहव कब करना मशरू है और नमाज में कितने रुकन और कितने वाजबात है, इसे बयान किया था। आज का जो मौजू है वह जुमा की नमाज, इसके ऊपर कुरान करीम से दलील जिससे मैंने आपके सामने बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, यानी ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की आजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। फसव इला जिक्रिल्लाह। वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और खरीदो फरोख छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम चाहते हो। ये आयत सूरतुल जुमा की आयत है जिसमें ईमान वालों को मुखातब करके अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जुमा के दिन की जब आजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह तबारक व ताला, आप आम तौर पे देखते होंगे कि अगर कोई तिजारत कर रहा है तो उससे ज़ाहरी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को मुखातब किया और कहा कि ऐ ईमान वालों, जब जुमा की नमाज के लिए आजान दी जाए तो तुम खरीदो फरोख छोड़ करके फौरन मस्जिद की तरफ जाओ। इससे जुमा की अहमियत का अंदाज़ा होता है और ये आयत दलील है जुमा की मशरूयत पर, कि जुमा अल्लाह तबारक व ताला ने मशरू करार दिया है और जुमा का एहतमाम हर मुसलमान, हर मोमिन शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जुमा की फजीलत के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसे अबू हुरैरा ने रवायत की है, पहले मैं उस हदीस को पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूँगा। हदीस कुछ इस तरीके से है, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه البخاري। أبو هريرة रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा दिन जिस पर सूरज निकलता है वह जुमा का दिन है। सूरज तो सब दिनों में निकलता है, लेकिन सबसे अच्छा दिन जिस दिन सूरज निकलता है वह जुमा का दिन है, इसलिए कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन में जन्नत में द
दाखिल किए गए और इसी दिन के अंदर जन्नत से निकाले भी गए और जुमा ही के दिन कयामत कायम होगी। ये इमाम मुस्लिम की रिवायत है और इस रिवायत में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो ये है कि जुमा का इंसान को चाहिए कि एहतमाम करे, इसलिए कि जुमा क्या दिन वह दिन है कि जिस दिन सब सूरज निकलता है वो सबसे अच्छा दिन होता है और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी कायम होगी। लेकिन हमारा और आपका हाल यह है कि जुमा के दिन हमने सोने के लिए मुख्तस किया हुआ है, पूरे पूरे हफ्ते का नींद मुकम्मल करते हैं जुमा के दिन और जब आजान होती है जुमा की तब उठते हैं। और बहुत सारे लोगों का हाल ये है कि वो जुमा की नमाज भी पढ़ने नहीं जाते और बहुत सारे लोग जुमा की नमाज अगर पढ़ते भी हैं तो एक रकात को छोड़ करके आखिरी रकात में आखिरी वक्त में पहुंचते हैं, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। जुमा के दिन इंसान को उस दिन का एहतमाम करना चाहिए और सुबह सवेरे तैयार होकर के मस्जिद जाना चाहिए। नमाज जुमा की हालतें, वक्त इसका वही है जो नमाज जोहर का वक्त है और आदमी कम से कम तीन हो जिसमें एक इमाम हो वहाँ जुमा कायम हो सकता है। जुमा के अंदर दो खुतबे हों और वाजिब है कि ऐसे निकात और खुतबा का मौजू हो जिससे ईमान बिल्लाह की कुव्वत में इजाफा और पूरे हफ्ता के हालात का मुहासबा और जायजा हो। नंबर चार, सिर्फ फर्ज दो रकतें हैं जिसमें किरात जहरी होगी। अगर कोई शख्स दूसरी रकत खत्म होने के बाद नमाज जुमा में हाजिर होता है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज जुमा चली गई, अब उस पर वाजिब है कि वो जोहर की चार रकतें पढ़े। नमाज जुमा की बाद की सुन्नत है, अगर ये मस्जिद में पढ़ी जाए तो चार रकत और अगर लौट कर घर में पढ़ी जाए तो दो रकत है। यानी अगर कोई शख्स मस्जिद में नमाज जुमा के बाद सुन्नत पढ़ना चाहे तो उसे चाहिए कि वो मस्जिद में चार रकत और घर में लौटने के बाद अगर पढ़ना चाहे तो दो रकत पढ़े। जुमा के दिन यानी बंदरदाजैल चीजों से इज्तनाब और बचना वाजिब है। दौरान खुतबा किसी तरह की कोई गुफ्तगू कतई तौर पर न हो। नंबर दो, अब्स और बेहुदा हरकतों से दौरान खुतबा इज्तनाब और बचना वाजिब है। तीसरी चीज, मस्जिद में सफों को चीरते हुए गर्दनों पर से गुजरते हुए हरगिज न जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं आखिरी वक्त में और बिल्कुल चीरते हुए पहले सफे पहुंचना चाहते हैं, जिसे बचना चाहिए और ये बचना उस पर वाजिब है। नमाज जुमा के लिए मुबाह चीजें, पहली चीज गुस्ल करना और अच्छा लिबास पहनना, ये हफ्ते की ईद है। मस्जिद में जल्दी पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, सूरतुल कहफ की तिलावत करना, जुमा के दिन सूरज गुरूब होने से कुछ पहले दुआए खैर व बरकत और मगफरत वगैरह करना, इसलिए कि इस दिन जुमा के दिन कबूलियत दुआ का वक्त होता है और इंसान को चाहिए कि वो सूरज गुरूब होने से
कुछ पहले दुआए खैर करें अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी औलाद के लिए। ये काम जो मैंने अभी बयान किया है, ये तमाम चीज़ें जुमा के लिए मुबाह चीज़ें हैं। खुतबा के आदाब और तरीक़े, खुतबा के आदाब और तरीक़े ये हैं कि इमाम लोगों की तरफ रुख करके मिंबर पर खड़ा हो और बुलंद आवाज़ से कहे। यानी जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर पर खड़ा हो तो बुलंद आवाज़ से उसे चाहिए कि वो ये कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिर इमाम जब बैठ जाए तो मुअज्जिन आज़ान दे। तीसरी चीज़, आज़ान के बाद इमाम खड़ा हो और अपना पहला खुतबा शुरू करे। और खुतबा जिन चीज़ों पर मुश्तमिल हो, यानी मुहतवियातुल खुतबा, यानी जिन खुतबों जिन चीज़ों पर खुतबा मुश्तमिल हो, वो ये है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यानी खुतबे की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह से करें। दूसरी चीज़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कहना। और तीसरी चीज़ लोगों को तकवा की वसीयत करना, यानी लोग अल्लाह का मुराकबा सोचें और उससे खौफ खाएं। और इस तरह के अल्लाह ताला ने जो उन्हें करने का हुक्म दिया है उसे बखूबी अंजाम दें, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उसे बचें। तीसरा कि मौजूए खुतबा के एतबार से कुरान करीम की मुनासिब आयत तलावत करें। पांचवी चीज, ऐसे मौजूआत के जरिए लोगों से खिताब करें जिससे उनका अल्लाह पर ईमान मजबूत हो और उनके मौजूदा मुश्किलों का जिसमें कोई हल हो और ये सवाल हो अल्लाह से कि वो तुझे बख्श दे। छठी चीज, और तमाम मोमिनों के लिए भी मगफरत का अल्लाह से सवाल हो और मोमिनों को अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहिए, यानी मैं अल्लाह की मग़फ़रत का तालिब हूँ। सातवीं चीज़, खुतबा मुख्तसर और हालात के मुताबिक हो, जो वक्त है उसके मुताबिक आप खुतबा दें और मुख्तसर खुतबा दें, मुतव्वल खुतबा ना दें, लंबा खुतबा मत दें। दौरान खुतबा इमाम का अपनी आवाज़ बुलंद करना ज़्यादा अफजल और बेहतर है, यानी इमाम ऐसा हो, खतीब ऐसा हो कि जो बुलंद आवाज़ से खुतबा दे, ये नहीं कि मुंह में उसकी बात लोगों को समझ में भी नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अफजल यह है कि आवाज़ बुलंद हो ताकि लोग सुने और उसको समझें। खुतबा अव्वल के बाद थोड़ी देर के लिए इमाम बैठ जाए, फिर खड़ा हो, और दूसरा खुतबा भी हम्द व सलात से शुरू करें और कुछ कुरानी आयतें पढ़कर शुरू करें। जुमा के दोनों रकतों में कभी कभी पहली रकत में सूरतुल आला और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया पढ़ना मसनून है, और ये खुतबा के आदाब और तरीक़े हैं जिसे मैंने आपके सामने बयान किया है। एक शख्स, आप में से कोई शख्स अगर जुमा की नमाज़ पढ़ाए तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, और उससे चाहिए कि वो खुतबे के लिए जब मिंबर पर खड़ा हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहे, फिर मुअज्जिन आज़ान दे, फिर इन्नल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु वस्सलातु वस्सलाम से, और लोगों को तकवा की नसीहत करे। खुतबा के मौजू के मुताबिक कुरान करीम की आयत की तलावत करें और फिर लोगों को नसीहत करें, और तमाम मोमिनों के लिए मग़फ़रत का सवाल करें और मोमिनों को अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहिए। और खुतबा मुख्तसर और हालात के मुताबिक हो, और दौरान खुतबा इमाम का अपनी आवाज़ को बुलंद करना अफजल और बेहतर है। और खुतबा अव्वल के बाद थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर दूसरा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह
वसलातो वसलाम और सूरा कोई सूरा से करे, और मुख्तसर खुतबे के दूसरे खुतबे में खुतबे का मुख्तसर लुब्बुलबाब और माहसल और नतीजा लोगों के सामने बयान करे, और पहली रकत में सूरतुल आला की तलावत करे और दूसरी रकत में सूरतुल गाशिया का पढ़ना मसनून है। और अगर दूसरी आयतों का भी की तिलावत करना चाहे, सूरतों की तिलावत करना चाहे, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये मशरू है, ये सुन्नत है कि इन दोनों को पहली रकत में सूरत लाला और दूसरी रकत में सूरत लगाशिया पढ़े। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन।